नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में ट्राइडेंट स्टॉक को डिस्कस करेंगे। चूंकि हाईली डिस्कस्ड स्टॉक में इस समय ट्राइडेंट सबसे नंबर वन पे है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही इतना इजी व्यू मैं आपके लिए कर दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे खुद से इस समय होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर लंबे समय के लिए रुके। और जितने भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है और आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा है जहां प्रीमियम टेलीग्राम आपको फ्री दिया जा रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि हमारा मकसद है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। तो इसी स्टॉक को मैंने 35-37 के प्राइस पे सजेस्ट करे थे और इस समय नियर अराउंड 25-30% की तेजी दिखी और 50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले समझेंगे कि फंडामेंटली कंपनी करती क्या है। तो कंपनी कपड़े के व्यापार में है, ये जो टॉवल्स वगैरह होती हैं उसका नंबर वन कंपनी है और इस समय इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है। 10K आरओसी और आरओई कंपनी के हैं और इस समय जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 40 के ऊपर है, जबकि इंडस्ट्री पीई के कंपैरेटिवली देखेंगे तो इस समय कंपनी थोड़ा महंगा दिखता है। बात करें डेट का तो नेग्लिजिबल डेट क्या कहेंगे, डेट नहीं के बराबर है क्योंकि 1600 करोड़ डेट है और 3600 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अगर प्रमोटरशिप को देखेंगे तो पाएंगे कि 73% के आसपास प्रमोटर है, 2% FIs है, 1% अदर है और 23% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग्स है। तो प्रमोटरशिप के होल्डिंग्स में देखें तो 40% से ऊपर का एक बेहतर प्रमोटरशिप होल्डिंग माना जाता है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, डेट फ्री लगभग कंपनी है और साल का सेल्स लगभग जो है 6000 करोड़ करती है, यानी क्वार्टरली 1500-1800 करोड़ सेल्स करती है और अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है। ये तो फंडामेंटली बात रही। अब ये बात आई कि टेक्निकली इस समय क्या खरीदें या इग्नोर कर दें, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो रुकें या एग्जिट कर लें, ये सभी आपके मन में दुविधा बनते दिख रहे होंगे। RSI अराउंड 80 है, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिससे कि कंपनी ओवरबाउट ओवरसोल्ड एक व्यू दिया जाता है कि 70 के ऊपर है यानी ओवरबाउट के टेरिटरी में है, यहां से गिर सकता है, और जब 30 के नीचे RSI होता है तो माना जाता है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी यहां से तेजी की तरफ दिखेगी। ये टेक्निकल टूल्स है। इस समय हमने जब 37 के प्राइस पे सजेस्ट करा तो पहला टारगेट हमारा 52 था जो आज हिट होते दिखा, और दूसरा टारगेट है 74 और तीसरा 100 प्लस। अब मैं ये कहूंगा कि ऑलरेडी रैली को आपने मिस कर दिया, यानी हम किसी बस स्टैंड पे हैं, बस आती है तो वो बस मिली तो ठीक है, फिर हम या तो उस स्टैंड से पकड़ें या 4-5 किलोमीटर दौड़ के पकड़ें, तो मैं ये कहूंगा बाजार में मोर देन 6000 स्टॉक है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि पास्ट 2 ईयर में स्टॉक निगेटिव रिटर्न दिया था और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ टू 2 ईयर के ड्यूरेशन में 100 तक के कैपेबल दिख रहा है। बहुत सारे थंबनेल हैं कि ट्राइडेंट जाएगा 500, क्या 500 के टारगेट होंगे, तो ऐसी जो बहकी बातें हैं उसको बिल्कुल जो है रिलायबल नहीं होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से लेना चाहते हैं तो इग्नोर करें। शॉर्ट टर्म में आप KMC हॉस्पिटल, इजी माई ट्रिप, इंटरनेशनल कन्वेयर्स जैसे स्टॉक को देखें बजाय ट्राइडेंट के। तो यहां मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडर होल्ड बनाए रख सकते हैं, और अगर आप 1 ईयर के ज्यादा के ड्यूरेशन के लिए खरीदना चाहते हैं तो इस स्टॉक को रिट्रेसमेंट पे लेंगे बजाय की इस समय के करेंट प्राइस पे। रिट्रेसमेंट क्या है, 45 से 48 रिट्रेसमेंट है। जब स्टॉक बढ़ता है तो हमको लगता है कि कभी गिरेगा नहीं, जब स्टॉक गिरता है तो हमको लगता है कभी उठेगा नहीं, ये साइकोलॉजिकल ह्यूमन एरर है। इससे बचेंगे, ब्रेकआउट के बजाय रिटेस्टमेंट पे लेंगे और ये तब तक वीक नहीं होगा जब तक 42 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बाय ऑन डिप्स दिखेगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही लेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मोमेंटम ट्रेडर इस समय चाहे तो इग्नोर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। तो टारगेट करते हैं किस पे लाइक, लगभग जो है 200 लाइक एक्सपेक्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें कि आपके क्या व्यूज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव।